इस पृथ्वी की अर्जित कथा है अररिया। थर थर कांपता है शाश्वत, अपने दारुण वर्तमान से अररिया को कभी मुक्ति नहीं। फिर भी बिहार के पूर्वोत्तर सीमांचल क्षेत्र में बसा अररिया अपने जीवन राग में सदैव मस्त रहता है। बीते वक्त के साथ बिहार के सारे भरे अंचल की हरियाली छिनती गई, लेकिन अररिया की आशा की टहनी हमेशा हरी रही, आज भी है। काल के विवर्ण मुख पर रह रहकर उल्लास थोपता अररिया शोक में भी सुख ढूंढता है। 22 लाख की आबादी वाले बिहार के इस नन्हे से जिले ने अमर रचनाकार परशुनाथ रेणु, पंडित रामदेनी तिवारी द्विजदेनी, अगस्त क्रांति के अमर शहीद सुंदर दत्मा, जगतू हाजरा और कालिदास सरी की हस्तियों को जन्म दिया। पर रेणु जी के शब्दों में इसकी हालत मारे गए गुलफाम सरी की हो गई। गुलफाम फिर भी रोज रोज दुखों को झटक कर झूम रहे हैं। चौकी की गूंज और चैती कचरी का स्वर कभी मन नहीं पड़ता। जीवन की रस वर्षा में कोई नहीं समझ पाता कि अररिया के आंसू कैसे चुपके से निकल गए। किलोमीटर क्षेत्र में फैला अररिया जिला उत्तर में नेपाल से सटा है। इसके पूर्व में किशनगंज, पश्चिम में मधेपुरा और सुपौल, तो दक्षिण में पूर्णिया जिला है। अररिया 14 जनवरी 1990 को जिला बना। नवंबर 1864 से पूर्णिया जिला के अंतर्गत अनुमंडल था। आजादी के बाद कभी भी अररिया की मुलाकात विकास से नहीं हुई। प्राचीन अररिया का कोई लिखित या प्रमाणिक इतिहास नहीं मिलता। किंवदंतियों, जनश्रुतियों को माने तो ये क्षेत्र कभी जंगलों और पशु पक्षियों से भरा पूरा था।
जंगल को संस्कृत में अरण्य कहते हैं, इसलिए इसका नाम अरण्य से कालांतर में अररिया हो गया। बताते हैं कि जिले की सबसे बड़ी परमान नदी से पूरब और बैरगाछी से उत्तरी मदनपुर जाने के रास्ते में अररिया बस्ती बसी थी, परंतु बार बार परमान नदी की बाढ़ से परेशान हो अंग्रेजों ने 1875 में यहाँ से 8 किलोमीटर दूर बसंतपुर गांव को अपना मुख्यालय बनाया, जो आज जिला मुख्यालय है। अररिया जिले को कुछ इतिहासकार महाभारत काल से जोड़ते हैं, कहते हैं पांडवों का ये क्षेत्र अज्ञातवास का साक्षी है। प्रमाण के तौर पर इसके चिन्ह अररिया प्रखंड के दभड़ा गांव में मौजूद है। इस क्षेत्र पर कभी राजा दंड का शासन था, जिसने बाद में महाबली भीम की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए इस क्षेत्र को राजा दंड का स्थान भी कहते हैं। हालांकि अब इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। करीब 400 वर्ष पूर्व यह जिला जंगल, नदियों और आदिम जातियों से भरा था। 1722 के पूर्व अररिया जिला में मुसलमानों के निवास का कोई प्रमाण नहीं। ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर ईरानी हमलावर नादिर 1740 ईस्वी में शिया मुसलमानों के साथ दिल्ली आया। उन्हीं में से एक जौहरी बासी तकी मीर अपने साथियों के साथ दिल्ली से बंगाल होते हुए फारबिसगंज आया। उसने पूर्णिया के फौजदार से फारबिसगंज के दक्षिण प्रवाह क्षेत्र में 12 गांवों की जागीर खरीद ली और वहीं बस गया। बाद में 1757 के पलासी युद्ध में सिराजुद्दौला की हार के बाद इस क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। सन 1859 में अंग्रेज एजे फोरबेस ने सुल्तानपुर की जिम्मेदारी को अपने हाथों में लेते हुए वर्तमान फारबिसगंज का निर्माण किया। भारत की आजादी में अररिया के सपूतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फोरबेस की सुल्तानपुर स्टेट के मुलाजिम रहे पंडित राम देनी तिवारी द्विज देनी